तो हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू नेहू के व्लॉग्स। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति में चल रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको। पहले इसको देख लीजिए, हमारा जोजो है जो कि अभी थोड़ा बड़ा हो गया है। जोजो कल मैंने इसको नहलाया था, इसके बाल बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट उड़े। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन नहला पाते गए। तो ये रहा, कुछ खतरनाक सा मौसम हो रहा है, एकदम सब कुछ उड़ते ही जा रहा है। और मेरे को तो और किसी का नहीं, बस मेरी लीची जो है, ये जो लगी है पेड़ में, वो झड़ ना जाए, क्योंकि फिर मैं क्या खाऊंगी। दर्द होता है, दुख दर्द पीड़ा ऐसे होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लीची, हमारे पेड़ में जो लीची लगी है, वो ना ही उनको कुछ हो तो अच्छा है। तो वैसे ठंडे ठंडे मौसम में अभी मेरी आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो मम्मी के साथ अभी मैं जा रही हूँ पार्लर, जो है थोड़ा काम वाम कर लेंगे, आईब्रोज बनवाएंगे, उसके बाद हमारे गांव में शादी है तो फिर वहाँ जाएंगे हम लोग। मतलब आज नहीं है, बाद में, मतलब कल परसों चुको है। तो गाइस, मुझे ना ऐसे थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ से धूप जैसी भी आ रही है। दिख रही है क्या आपको? सूर्य देव जैसे भी दिख रहे हैं। देखो कैसा मौसम होता है, ना ढंग से बारिश ही आ दे रही है, ना ढंग से धूप भी आ रही है, हवा चल रही है बस, और हवा से सारे फल गिर जाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं दुकान को। चलो, मम्मी भी आ रही पीछे से। तो ये रही कमला आंटी, मम्मी आंटी भी आ रही है। अरे मैंने आंटी को कब से नहीं देखा है। और आंटी नमस्ते, कैसे हो आप? आप कब से हमारे घर नहीं आए हो? गुस्सा तो नहीं हुई आप? क्यों नहीं आए फिर आप? बहुत दिन हो गए। नहीं आ रही है। आप आते हो मैं जा रही हूँ पार्लर आईब्रो बनाने, आप नहीं आ रहे हो? आप नहीं आ रहे बनाने? कहाँ जा रहे हैं? गाइस खेलने जा रहा है। अब देखो यहाँ ना आम भी लगने लग गए हैं, कुछ कुछ आम भी लगने लगे। देखो, ओह माय गॉड, आम का सीजन आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग जाने लग गए हैं, और पहले हम लोग आंटी की साइकिल बनाने के लिए देने गए थे, उसके बाद आते टाइम फिर हम पार्लर में गए। तो यहाँ पे हमको मिल गए ये उदय और भगवान। आंटी आप भी खा रहे हो कुल्फी? सात सौ नब्बे हुए अभी तो। अभी तो यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, सब लोग आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, और मम्मी को देखो ये झूला भी लेके आ गई है। हम लोग रोड से पानी भर के लिए आता है, तो मम्मी झूला भी यही को लेके आ गई है। तो हम यहाँ पर पार्लर पहुँच गए थे, उसके बाद हम लोगों ने अपनी अपनी आईब्रोज बनवाई, और कुछ कुछ सामान भी लिया था। कुछ तो निकाल, कुछ कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो गया था वो। और ये रही मैं हमेशा की तरह दांत दिखाते हुए, और ये है पार्लर, ये आंटी हैं पार्लर वाली। और अभी मम्मी का हो गया है और आंटी बना रही हैं, मेरा भी डन हो ही गया है, मेरा मम्मी के बाद मेरा ही हुआ था। तो ये है मेरा सामान, ये है अक्षय, मम्मी लोग गए साइकिल लेने, हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि हम देर हो जाएगी तो हम लोग घर को जा रहे हैं, फटाफट है ना अक्षय। यहाँ पे आंटी लोग पंचायत कर रहे हैं, यहाँ पे पंचायत कर रहे हैं सब लोग बैठ के। पंचायत चल लिए। आंटी कुछ बोल रही है।
क्या बोल रहे हो आंटी? अरे इतना बना सी वीडियो, इतना ही बना? क्या कर रहे हो बताओ फिर? आप ही को लेते हो? वो हमारी बकरी देखो हैं, वो बकरी हमारी कहां है? बकरी दिखाओ। वो तो देखी है उन लोगों ने, मैं दिखाते रहते हैं। बैठी है वो बकरी चरा रही हूं, बकरी को भी दिखाया। बकरी आंटी को चरा रही है। अरे मौसम ठंडा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, हवा चल रही है और ठंडा भी हो रहा है बहुत। बुझाता जा रहा है तो बनियान पहन के आए, मैं तो तौलिया ओढ़ के आए। ये हद्दे यही पड़ा रहे, मैं तो यही लेके आई। अभी मौसम तो वहाँ थोड़ा थोड़ा खुलने जैसा हो रहा है, बारिश बादल जैसा भी लग रहा है। खुलने नहीं, बंद हो रहा है। अब बंद हो रहा है। उधर को तो खुल रहा है, वो बंद ठहरा। इधर को बंद हो रहा है, सब बंद है, सब बंद। भारत बंद हो रहा है। भारत आज बोले थे भारत बंद है, वो भारत बंद नहीं है, कार बंद हो रहा है। उनको लगा भारत हो रहा है ना, हो गया आंटी। कल इन बकरियों का ठिकाना यही है, सुबह से शाम तक बेचारे चरते रहते हैं, खेत खाली है तो। लेकिन ध्यान देना पड़ता है कि कहीं बरसों के खेत में तो नहीं जा रहे ये लोग, क्योंकि बरसों के खेत में चल जाएंगे तो फिर गाय भैंस रखेंगे, और गाय भैंसों को हम दोनों नहीं छोड़ सकते ना खेत में। तो बकरियों को छोड़ा है, वो अपना चारा चरते ही रहती हैं, चरते रहती हैं। बस सब में घर पहुँच गए, मम्मी आ रही है, तब तक मैं अंदर बैठती हूँ थोड़ा, बच्चे अपने का देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइज अभी खाना बन गया है, मम्मी तो खाने भी लग गए यहाँ पे, लेके भी आ गए अपने लिए। मम्मी मुझसे बोली खाना लग के अपने लिए, क्योंकि मेरे को अमन का फ़ोन आ गया था। बाद अमन जो मैंने उस दिन दिखाया था ना जहाँ मैं गई थी, उसके 50K सब्सक्राइबर हो गए, और उसका चैनल भी अब थोड़ी देर में मोनेटाइज होने वाला है। कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है लेकिन अभी हो जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से, यूट्यूब व्लॉग्स वाली फैमिली की तरफ से, उसको भी बधाई हो। और अभी मैं निकाल रही हूँ खाना, और खाने बना रखा है मम्मी ने, ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको अच्छी लगती नहीं लगती। ये ना हमारे छोटे छोटे इतने छोटे टमाटर हो रखे हैं, तो उसकी वो बनाई है मम्मी ने, मतलब टमाटर का सूप टाइप का। तो ये बहुत ऐसे खट्टा खट्टा होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने मम्मी से बोला मेरे लिए यही बना दो, मम्मी ने अपने लिए प्याज की सब्जी बनाई और मेरे लिए ये बनाया। और मैं इसको खाती हूँ फिर सो जाती हूँ, क्योंकि और क्या ही करना है। मैंने कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है स्कूल में बच्चों के, तो थोड़ा काम हो जा रहा है, थोड़ा सा कल से एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, थोड़ा कॉपी वगैरह ज़्यादा चेक करनी पड़ेगी। तो गाइस मेरा खाना तो आ चुका है, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको गोलगप्पा चैलेंज कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो आगे भी और ऐसी और चैलेंज वाली वीडियो आएंगी, अगर जैसी आपको पसंद आएंगी वैसी वीडियो आएंगी। तो या तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।